केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से स्वच्छ वायु दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सूरत को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला अवार्ड दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के आधार पर 3 श्रेणियों में कुल 9 शहरों को अवार्ड दिए गए। इनमें सूरत को पहला अवार्ड मिला। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहे, जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। पुरस्कार स्वरूप सूरत महानगर पालिका को 1,50,00,000 रुपए की राशि का चेक सौंपा गया। अवार्ड महानगर पालिका की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने रिसीव किया। शालिनी अग्रवाल मूल रूप से जयपुर की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुरस्कार का चेक और प्रशस्ति पत्र कमिश्नर को सौंपा। और इस मौके पर जी मीडिया संवाददाता काशीराम चौधरी ने सूरत महानगर पालिका के मेयर दक्षेश मावानी और कमिश्नर शालिनी अग्रवाल से खास बातचीत। आज स्वच्छ वायु दिवस है और इस मौके पर केंद्र सरकार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 9 शहरों को सम्मानित किया गया है, अलग अलग श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत महानगर पालिका को सम्मानित किया गया है पहले स्थान पर। सूरत महानगर पालिका के जो मेयर हैं दक्षेश मावानी जी, उनसे पूछेंगे। सर, आपको ये सम्मान मिला है, किस तरह से देखते हैं? सूरत महानगर पालिका 2023 में भी स्वच्छ शहर के रूप में काम किया था और अवार्ड प्राप्त किया था। इस बार हमने हवा के सुधारण के पिछले 4-5 साल में 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उसमें लगाए थे, जैसे मैकेनिकल स्वीपर से रोड की सफाई, अपनी व्हीकल पॉलिसी इम्प्लीमेशन किया, दरों में राहत दिया, उसमें ज़्यादा लोग एक ई व्हीकल पॉलिसी पे आए। हमारे डोर टू डोर गार्बेज है, उसमें हमने जो अपने डोर टू डोर गार्बेज जो व्हीकल है उसने 35% हमने ई व्हीकल का इम्प्लीमेशन किया। हमारी जो भारत देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है BRTs का, उसमें हमने 580 जितनी इलेक्ट्रिक बस को चलाया, तो उसके हिसाब से कार्बन के बहुत उत्सर्जन कम हुए। और आज हम सूरत शहर के सभी नागरिकों के सहायता से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हो और प्राप्त किया। कार्बन उत्सर्जन कम करके ही इस अवार्ड को प्राप्त किया जा सकता है। महानगर पालिका की जो कमिश्नर हैं शालिनी अग्रवाल, वो भी हमारे साथ हैं इस वक्त। मैडम, एक आपके ने निश्चित रूप से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अच्छे उपाय किए, और क्या सीख देना चाहेंगे आप, किस तरह से इसको बढ़ाना चाहिए आगे? पूरे भारत देश में आज सूरत शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम आया है और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव साहब और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ से ये सम्मान सूरत शहर को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स जन भागीदारी के साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे भारत देश में संकल्प लिया है और नेट ज़ीरो की तरफ भारत देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में सूरत शहर बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहा है जिसमें कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए काम किया जाए। सूरत पूरे देश का सबसे तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आर्थिक शहर है, पर उसके बावजूद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सूरत कॉरपोरेशन काम कर रहा है। स्पेशली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी दिशा में सूरत शहर इस बार पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर आया था और राष्ट्रपति महोदय के हाथ से अवार्ड मिला था। इसके साथ में ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रीज़ को क्लीन फ्यूल की तरफ किस तरह से प्रेरित किया जाए, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट और लोगों को उसमें किस तरह से जोड़ा जाए, इन सब के साथ में काम करते हुए सूरत शहर में सूरत महानगर पालिका आगे बढ़ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी सूरत आगे रहता है हमेशा, उसको लेकर क्या? इस बार पूरे भारत देश में सूरत शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आया था और माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथ से ये सम्मान सूरत शहर को मिला था। सूरत में अभी 100% डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है। उसके अलावा पूरे सूरत शहर में 250 रोड्स पर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाती है। पूरे सूरत शहर को वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स से स्टैब्लिश किए गए हैं। प्लास्टिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम सूरत शहर में हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू अलग अलग प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं जो वापस से रीयूज़ एंड रिसाइकिल की जाती है। अभी लीगसी वेस्ट जो भारत के शहरों में बहुत बड़ी समस्या है, सूरत शहर में लीगसी वेस्ट को 100% दूर कर दिया गया है और वो जो भी लीगसी वेस्ट की साइट्स थी उनको ब्यूटिफुल गार्डन्स में तब्दील कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोल
डिमोलिशन वेस्ट जो आप बजरी रेती हर जगह पे देखते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए सूरत शहर में प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है और उसमें से पेवर ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल मार्केट्स हैं, फ्रूट मार्केट्स हैं, APMCs हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर के थ्रू जो वेट वेस्ट होता है उसको कंपोस्ट और अलग अलग तरह की चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हम लोग पूरे सूरत शहर में ज़ीरो वेस्ट इवेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है तो उसमें कोई भी वेस्ट जनरेट ना हो, वेस्ट का सेग्रीगेशन हो और जो भी सेग्रीगेटेड वेस्ट है उसको आगे यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ज़ीरो मार्केट्स, ज़ीरो सोसाइटीज़, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के इन्हीं उपायों से सूरत शहर महानगर पालिका को पूरे देश में नंबर एक का अवार्ड मिला है और यह एक अच्छी बात भी है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। शहर ने